दीदी कितनी ठंड लग रही है ना। हाँ परी, इसी साल इतनी ठंड नहीं लगी। हाँ ना दीदी, कभी ठंड गिरती है, कभी बारिश होती है, पता ही नहीं चलता। वो देखो। हाँ ना। वाह। दीदी, कितना गर्म हो रहा है। मुझे ही गर्म हो रहा है कि आपको भी हो रहा है? हाँ बड़ी, मुझे भी गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि भट्टी में जाकर बैठे हैं हम। हाँ दीदी, एसी ऑन करो ना। हाँ ठीक है, रुको रुको, रिमोट लेकर आती। हाँ। इतना गर्म हो रहा है। हाँ, ये तो। अरे एसी लगा कर तो बहुत देर हो गई, फिर भी गर्मी लग रही है। हाँ दीदी, चलो बाहर जाकर बैठते हैं थोड़ी देर। ठीक है, चलो। अरे इतनी गर्मी, तुम तो बाहर क्यों आए? घर में एसी भी काम नहीं कर रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। दीदी बाहर तो और भी गर्मी है। हाँ ना। अरे ये लोग क्यों मांग रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे भाई साहब रुको रुको, आप क्या मांग रहे हो? अरे आप भाग क्यों रहे हैं, आपको पता नहीं है? नहीं क्या हुआ? अरे ज्वालामुखी फटा है, देखो कितना गर्म। अरे भागो, जान बचाओ, भागो, जल जल के आग बुझाओ, मेकअप का सामान ले। अरे गुड्डी, आप हम लोग जल के मर जाएंगे, तुझे मेकअप करना है। पागल, खाने पीने का सामान भर के चलो 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 चलो। अरे गुड्डी भागो भागो भागो। अरे परी क्यों रुकी हो? भागो चलो। दीदी देखो ना, सारे जगह पर लावा ही लावा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, हम भाग के जाएंगे कहाँ पे? ये अपना घर है, अपना गांव है, अभी हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं। हाँ दीदी, और वो देखो वहाँ पर टॉमी है, तो लावा में फंसा है। हाँ ना परी, बेचारा, अब उसको कैसे बाहर निकालेंगे हम लोग? चलो हम उसे बचाते हैं। नहीं परी, कैसे जाएंगे हम वहाँ पे? देखो ना, हर जगह पे लावा ही लावा, हर कोई कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, हम क्या करेंगे अभी? हाँ ना परी, वो लावा है। नहीं नहीं दीदी, हमें ना सबको बचाना चाहिए। अरे परी, यहाँ पे हम इंसानी जानवर जाके भागे, बेचारे जानवरों को क्या होगा पता नहीं। नहीं नहीं, चलो हम लोग भागते हैं यहाँ से। चलो चलो भाई। दीदी हमने एक काम करते हैं, उस लावा को ना रुकाते हैं। लावा को रुकाते? परी वो लावा है हमारी दीदी थोड़ी है, कभी भी फट जाते और कभी भी शांत हो जाते हैं। कुछ भी, अरे परी ज्वालामुखी को शांत करना आसान नहीं है, हम नहीं कर सकते। दीदी हमें ना कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। अभी क्या करेंगे हम, चलो कुछ तो सोचते हैं। दीदी लावा को शांत कौन करता है? ठंडी हवा। ठंडी हवा, तो हमने एक काम करते हैं, एसी ऑन करते हैं। अरे एसी से इतनी बड़ी ज्वालामुखी कैसे शांत होगी? हाँ ना परी। हमने एक काम करे, बड़ी ही एसी बनाते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ट्राई करें हम। हाँ चलो चलो चलो। ज्वालामुखी को शांत। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है ना। चलो एक काम, चलो छुटकारा मिलेगा अभी ज्वालामुखी से, इसे ऑन करते और फिर देखते। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं इसे चालू करती हूँ। कितनी हवा लग रही है, जल्दी जल्दी हो रहा है क्या शांत? ज्वालामुखी शांत हो रही है। दीदी अब तो एसी से भी गर्म हवा आने लगी है। हाँ ना, पर ये एसी इतना लाल लाल क्यों हो रहा है? हाँ ना, क्या हुआ? हाँ ना दीदी, एसी तो पिघल रहा है। क्या? भागो। अरे ये तो एसी की आइडिया फेल हो गई। हाँ क्या करें, पता नहीं, ये ज्वालामुखी तो फटने में ही लगा है। क्या करेंगे? क्या करें? एक काम करते, क्या ना बहुत बड़ा सा फैन बनाते, मुझे लगता है ज्वालामुखी उससे शांत हो जाएगी। अच्छा फैन से हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो बनाते फैन बनाते। बस बस हो गया, हो गया।
फैन चालू करो, मुझे लगता है फैन से तो ज्वालामुखी पक्का शांत हो जाएगी। कमी नहीं हो रही है। और तू क्या फैन से तो ज्वालामुखी और भड़क गया। दी कुछ भी आइडिया देती हूँ तो। तो क्या करूँ मैं भी। कितना धुआं भी है। अरे नीचे देखो ज्वालामुखी वहाँ पर पत्ते। अरे लेकिन इस पत्थर पे हम कितनी देर तक रखेंगे? क्या करें अभी? दीदी आगे ना बहुत सारे पत्थर है, हम लोग वहाँ पर जाते हैं। हमें ना जंप करना पड़ेगा परी, ध्यान से जंप करना नहीं तो नाव में गिर जाओगी तुम। ओके 1 2 3 अरे बाप रे, ये हर जगह लावा ही लावा है, बचते तो जान निकल जाएगी। पर दीदी आपको किसी के हंसने की आवाज आ रही है? वैसे इतने जोर जोर से कौन हंस रहा है? क्या पता, कोई इंसान तो इतने जोर से नहीं हंस सकता। क्या होगा? वो वॉल्केनो हंस रहा है क्या? चलो जाके देखते हैं। चलो ये वॉल्केनो तो बात कर सकता है। ज्वालामुखी प्लीज तुम शांत हो जाओ, तुम अपना ये लावा बरसाना बंद कर दो, पता है इंसानों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज। अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, बोलने दो, मैं नहीं चुपने वाला। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे तुम लोगों ने इस पूरे धरती की वाट लगा कर रखी है, सब जगह पर पोल्यूशन करके रखा है। लेकिन वो हमने थोड़ी ना किया है, वो तो किसी और ने किया है। चुप बैठो, तुम लोगों ने चॉकलेट खाकर रैपर नीचे डाला, इसका मतलब तुमने भी कचरा किया था। मैं जब भी उठता हूँ मेरे मुंह में प्लास्टिक जाता है, जब भी हंसता हूँ मेरे मुंह में प्लास्टिक जाता है, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमें माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब प्लीज शांत हो जाओ और ये अपना जो सारा लावा है ना ले लो, वापस ले लो। नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी लावा डालता हूँ। बच गए हम। अरे हम तो टेम्पररी बचे, लावा जिस तरह से बाहर आ रहा है ना, मुझे लगता है हम सब जल जाएंगे। दीदी ऐसा मत बोलो, कुछ करो ना। क्या करें? क्या करें क्या? आपको कौन शांत करवा सकता है? मैं बताऊं? बारिश। मुझे भी वही लग रहा है कि बारिश ही शांत कर सकती है ज्वालामुखी को। लेकिन बारिश अब कैसे गिरेगी, अभी तो जून आने के लिए बहुत टाइम है। क्या करे हम? परी तुम्हारा वो फ्रेंड है ना, उसके पास प्लेन है ना। हाँ। क्या करेंगे हम, प्लेन में बैठ के आसमान में जाएंगे और बादलों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बारिश गिरवाए। हाँ। है ना? ठीक है दीदी। चलो तुम्हारे फ्रेंड के यहाँ पे चलते। चलो। परी तुम्हें चलाना आता है ना? हाँ थोड़ा आता है। अरे थोड़ा क्या दीदी, थोड़ा आता है। चलो हमें जल्दी से जाना है। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करो। अरे नीचे तो देखो, बाप रे ज्वालामुखी देखो कैसे फूल कर रहे। अरे परी सॉरी दीदी वो देखो बादल। चलो के पास लेके चलो। ठीक है परी रुको। कौन हो तुम लोग? वो हम ना धरती से आए हैं। आपको तो पता है ना कि वो ज्वालामुखी कितना भड़क चुका है और हमें ना अब हम घर सब छोड़ के भाग आए हैं। वो वॉल्केनो जो कर रहा है वो तो एकदम सही कर रहा है, हम लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। नहीं, इतनी बड़ी सजा क्यों? प्लीज आप चलिए और उन्हें शांत करवाइए। हाँ।
मैं उसे कैसे शांत करवाऊं? बारिश गिरा हो ना आप, बारिश तो उससे शांत हो जाएगी ज्वालामुखी। पर अभी बारिश का मौसम ही नहीं है, और वैसे भी बारिश का मौसम भी होता तब भी मैं नहीं आता तुम्हारी मदद करने। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। प्लीज ना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। वही चलो, नहीं आऊंगा मैं। हमारे लिए नहीं, वो जानवरों और पेड़ पौधों के लिए तो आइए, उनका भी तो नुकसान हो रहा है। हाँ, तुम्हारी गलती की सजा सबको मिल रही है, वो बात तो सही है। लेकिन हम ना आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, ऐसी गलती फिर से नहीं करेंगे। जानवर और पेड़ पौधों के लिए आ रहा हूँ, अगर तुम होते तो तुम्हारे ऊपर मैं बिजली गिराता। बादल आ गए, अपने लाओ शांत हो जाएगा। मेरा लाओ शांत नहीं होना चाहिए, बादल निकल जाए। हाँ ज्वालामुखी शांत हो, देखो सारा लावा शांत हो गया अभी। हाँ अभी हमें घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ थैंक यू बादल, थैंक यू सो मच। हाँ पर ऐसी गलती फिर से मत करना। नहीं 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 करेंगे, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता। थैंक यू। चलो अभी घर जाते। हाँ चलो चलो। का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उस रेड बटन को क्लिक करके ग्रे कर देना। और हम आते हैं एवरी वेडनेसडे एंड संडे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।